दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स और डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स। इन दोनों सेटअप बॉक्सेस में बेहतर सेटअप बॉक्स कौन सा है, यानी कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये लेटेस्ट कंपैरिजन है मार्च 2024 का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिटेल में बातें इसी पर हम करने वाले हैं। एक कमेंट आया था दोस्तों जिसमें कि ये पूछा गया था कि जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स परचेज करना चाहिए या फिर डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स परचेज करना चाहिए, तो बेहतर अगर इन दोनों में से कोई है तो उसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों इस वीडियो के अगले हिस्से में डिटेल में हम बातें करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट सबसे पहले और आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में और डिटेल में बातें कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों केवल 2 से 3 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स कैसे बेहतर है डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स से। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स लिस्ट, डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स में जितने चैनल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा चैनल आपको जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स में देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि अगर कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश आप करते हैं चैनल लिस्ट के ऊपर, तो दोस्तों जाहिर सी बात है जो भी सेटअप बॉक्स आप परचेज करते हैं उसमें आप अधिक से अधिक चैनल्स को देखना चाहते हैं जो कि उपलब्ध है जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स में। लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स आपको डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स में देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चैनल लिस्ट के अलावा जो परचेज आप करते हैं सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों सेटअप बॉक्स जो आप परचेज करते हैं लगभग सेमी प्राइस है अगर MPG4 सेटअप बॉक्स परचेज करें या फिर जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स परचेज करें, तो प्राइस में दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा बेहतर है, लेकिन चैनल्स लिस्ट के बेसिस पे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स बेहतर है डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो भी चैनल्स आप देखते हैं डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स में, उन चैनल्स को देखने के लिए आपको बिल्कुल कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स पर अगर आप पेड चैनल देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको सिंगल पेड चैनल ऐड करने की आज़ादी है, फ्रीडम है। भले ही आप उनको सब्सक्राइब करके देखें दोस्तों, लेकिन आप 1, 2, 3 या फिर इससे अधिक पेड चैनल्स ऐड तो कर सकते हैं। जबकि डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स में जो भी चैनल्स आपको अवेलेबल होते हैं वो प्रसार भारती की तरफ से अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप अलग से कोई भी चैनल ऐड नहीं कर सकते। जो प्रसार भारती की तरफ से डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स के स्लॉट्स में अलॉटमेंट है चैनल्स की, उतना ही चैनल्स आप देख सकते हैं। जबकि जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स में डिश टीवी की तरफ से जो भी चैनल्स अवेलेबल हैं पेड चैनल्स को आप ऐड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस आप दे सकते हैं दोस्तों, और सुविधानुसार आप उन चैनल्स को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स एक बार आपको परचेज करना है, और अब ये सेटअप बॉक्स 4 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। यानी कि 4 साल तक अगर आप केवल एफटी चैनल से देखना चाहते हैं तो आपको रिचार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना रिचार्ज किए 4 साल तक एफटी चैनल को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आप कोई पेड चैनल देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप पेड चैनल ऐड कर सकते हैं और फिर सुविधानुसार उनको डीएक्टिवेट या फिर अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा चॉइस तो जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स ही है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों आप ये बताएं हमको कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।